हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी के एरिया में कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपने बहुत मतलब पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इससे मतलब बहुत लोग अमीर भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत वोलेटाइल होता है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप लगाएं और अभी आपको जो है कि नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और जिस हिसाब से इस पर फ़ायदा आपने सुना होगा प्रॉफिट, उसी हिसाब से नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमेशा अपने मतलब माइंड में रख के चलिएगा और हमेशा इसमें ऐसी ही एक्स्ट्रा मनी ही अपना इन्वेस्ट करिएगा जिसको आप लूज करने के लिए तैयार हो, ठीक है। मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब आप अपना जमा पूंजी लगा दें इसमें क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में हमेशा सेटअप करके रखिएगा। और आपने सुना होगा बिटकॉइन का नाम, ठीक है। लोग जनरली क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन के नाम से ही जानते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन नहीं होता है। बिटकॉइन एक करेंसी है, ठीक है, जो सबसे पहले आई थी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आई थी, जाहिर सी बात है। और देखिए, ये सब जितनी है सब ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो आपको सब पे ध्यान नहीं देना है, मैं अभी बताता हूँ आपको आके। तो सबसे पहली चीज़ है आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जब आप इसके लिए ऐप यूज़ करिएगा जिप पे, जिस पे मैंने ओपन किया हुआ, ये सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई होती है और फटाफट जो है कि आपके बैंक स्टेटमेंट अपडेट होती है, फटाक से आपका मतलब KYC होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब देखिए कैसे होता है, जैसे आप जब KYC अपडेट करेंगे, जैसे मैंने कर चुका है पहले, तभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जैसे वेरीफाई आइडेंटिटी पे जाएंगे आप, तो ID डॉक्यूमेंट के लिए आप पैन पहले से ही पैन का फ्रंट और बैक फ़ोटो खींच के मतलब मोबाइल में रखिएगा, क्योंकि जब मांगेगा तो आपको अपलोड करना रहेगा फ्रंट और बैक, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि कोई डरने की बात है, क्योंकि जिप पे पहली बात आप जान लीजिए कि यहीं की कंपनी है, ठीक है। दूसरी बात जो है कि जिप पे जो है कि मतलब ये सब जो है SEBI के अंतर्गत वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, सब लोग अपना अपलोड करता है तभी ट्रेड कर सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार रेडी रखिएगा फ्रंट बैक, और डिक्लेरेशन में आपको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए बैंक में आपको कैसे ऐड करना है, जैसे मैंने बैंक में अपना ऐड किया है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा बैंक दिखा रहा है, कोटक महिंद्रा का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपको भी जैसे बैंक जब अपडेट करेंगे, तो बैंक में आपको खाली अपने मोबाइल में मतलब आपको पता ही होगा वैसे, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट जो आपका आता रहता है आपके मेल पे आता है, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपने बैंक अकाउंट खोला होगा उसका आप पे रेगुलर आता रहता है, ठीक है। मतलब बैंक स्टेटमेंट आता है हर महीने का, और 6 मंथ्स का भी आप मांग सकते हो। बट इसमें जो आपको अपलोड करना है, खाली आप कोशिश करिएगा सबसे लास्ट मंथ का आप जो है उसको लेके मतलब फ़ोटो ले लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए मेल से, और उसी की फ़ोटो को मतलब आपको इस पे डालना रहता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपका नाम सब कुछ मतलब बकायदा रहता है, और स्टेटमेंट भी रहता है कि हाँ एक्टिव है, ठीक है। आप इतना करेंगे, और एक चीज़ जान लीजिए कि बहुत जल्दी वो होता है, मतलब तुरंत अप्रूव्ड हो जाता है, इसलिए मुझे ये ऐप बहुत पसंद आया जेप पे, ठीक है। इसका नाम जान लीजिए जेप पे, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत फेमस ऐप है, ठीक है। तो अब देखिए इतनी बातें होंगी, इतनी आप समझ गए कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आते हैं हम डिपॉजिट की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ, देखिए इस टाइम आप देख सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू दिखा रहा है, ये जो मैंने बिटकॉइन बाय किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है मैंने, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बैलेंस दिखा रहा है 108 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको डिपॉजिट कैसे करना है, मैं पहले ये बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं अगली चीज़ आपको समझाता हूँ। डिपॉजिट के लिए आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ देखिए बैंक ट्रांसफर्स जो ऊपर वाला आएगा, नेट बैंकिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका है नेट बैंकिंग तो ठीक है, बट नेट बैंकिंग का यहाँ आप गलत मतलब मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफ़र पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे NFT है, RTGS है, IMPS है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि IMPS से ही आप मनी शेयर करिएगा, मतलब इसमें डिपॉजिट करिएगा। तो जो बैंक आप अकाउंट इसमें ऐड किए रहेंगे, याद रखिएगा उसी से डिपॉजिट हो सकता है बस, और कोई बैंक से डिपॉजिट मत करिएगा कभी। तो इसमें डिपॉजिट करने के लिए क्या होता है, जब आप क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफ़र में, तो ये अपना जिप पे एक आपको अकाउंट देता है, उस मतलब अकाउंट नंबर, और उस पे आपको पैसा मतलब डिपॉजिट करना होता है। तो वो पैसा आपके इसमें 5 मिनट के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसीलिए कोशिश करिएगा पहले 100 रुपीज़ से, ठीक है। तो मैंने तो कई बार किया है तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे में भी बैलेंस जो बचा है 108 रुपीज़, ठीक है। और अब बात करते हैं कि आप बाय सेल कैसे कर सकते हैं, इतना तो आप समझ गए कैसे आप मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आइए होम पे, होम स्क्रीन पे। तो पहली चीज़ मैं आपको कुछ मतलब आइडिया भी दे देना चाहता हूँ कि देखिए ये सब कॉइन पे आपको ध्यान देना है, बिटकॉइन पे, ठीक है, बिटकॉइन पे ध्यान देना, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इथेरियम पे ध्यान देना है जस्ट उसके ऊपर, और आपको ये ट्रॉन
TRX, ठीक है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, पर ये सब पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो रियली तो आप TRX वैक्स पे मत जाइएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि ये सब भी अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आइएगा, EOS जो आप देख रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, पर ये सब मत देखिएगा, ये सब मतलब बहुत कम अर्निंग आपको होगी, ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही है कि लॉस भी हो सकता है। और इसके बाद आप जो मेन ध्यान देने वाला कॉइन है ये है लिट कॉइन, ठीक है, लिट कॉइन पे ध्यान दीजिएगा, बिटकॉइन कैश पे ध्यान दीजिएगा, और आपका बस इतने पे ही ध्यान दीजिएगा, और किसी पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, और किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, और कोशिश करिएगा बिटकॉइन ही बाय करिएगा, और शुरुआत करिएगा 100 रुपीज़ से, जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट है बाय करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अब मैं दिखाता हूँ कि बाय सेल करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन मुझे बाय करना है, ठीक है, तो मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। बिटकॉइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए, मतलब सिंपल है बहुत, कोई मतलब आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है, बस यहाँ जहाँ अमाउंट लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, याद रखिएगा ऊपर बाय सेलेक्ट हो, ठीक है, बाय में आपका बैलेंस दिखा रहा है कितना बैलेंस, तो जैसे 100 रुपीज़ जो है मिनिमम है, ठीक है, उससे कम आप बाय नहीं कर सकते, और उससे कम में क्या करोगे यार, उतने में कुछ होना भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे 100 रुपीज़ आपने डाला, ठीक है, सिंपली आपको बाय पे जैसे दिखाने लगा 100 रुपीज़ में आपका अप्रॉक्स अमाउंट कितना आएगा, 0.000387 बिटकॉइन आप खरीदोगे, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, सिंपली बस बाय पे क्लिक कर देना है, ये जो नीचे बाय देख रहे हो क्लिक कर देना है, ठीक है, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, इस तरह आपका बाय हो जाएगा, जब आप बाय कर लोगे तो आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगी। जैसे देखिए मैंने 100 रुपीज़ का बाय किया था बिटकॉइन, बट अभी देखिए मैं माइनस में जा रहा हूँ, ठीक है, 5 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं है। देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब एरियाज़ में, कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी ये मत सोचिएगा कि मतलब कि तुरंत आपका मतलब भाग जाएगा ऊपर प्राइस और आप अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। आप इसको कुछ मतलब हमेशा याद रखिएगा कि ये मतलब इंट्रा डे के रूप में मत करिएगा, मतलब कि जैसे मॉर्निंग में आपने ख़रीदा और रात तक बेच दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उस चक्कर में आप हो तो मत करिएगा। आप इसको बाय करिए, होल्ड करिए, ठीक है, जब आप होल्ड करते हो ना तो एक ना एक दिन ये वैल्यू बढ़ती ही जाती है, ठीक है, तो जब बढ़ेगी तब आप इसको सेल करिएगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कैसे वर्क करना, ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि कैसे क्या होता है। अब देखिए मैं आपको रेंज बता देता हूँ बिटकॉइन का और लिटकॉइन का, ठीक है, बिटकॉइन और लिटकॉइन का ये कि मतलब किस रेंज के अंतर्गत आप बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसकी रेंज, जैसे देखिए बिटकॉइन की रेंज क्या है, $29K, ठीक है, $23K और $19K, मतलब आप समझ जाओगे के, अगर नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ कि $29,000, ठीक है, इसको आप इंटू करेंगे 74.57 रुपीज़ से, जो अभी करेंट हमारा मतलब डॉलर की वैल्यू चल रही है $1 की, तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट है। और इस रेंज में ही हमेशा बाय करिएगा बिटकॉइन, जब इस रेंज में जाएगा तो ही, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेशन करके समझ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से आएगा 29 के आएगा, 21 लाख के बराबर कुछ आएगा रुपीज़ में, मतलब, ठीक है, तो आप समझ गए। और लिटकॉइन में आप देखिएगा $80 को इंटू कर लीजिएगा 74.57 रुपीज़ से, ठीक है, और इसके बाद $140, मतलब ये इस 80 से 140 के बीच की रेंज में ही हमेशा बाय कीजिएगा लिटकॉइन को, ठीक है, और बिटकॉइन जो है 29 से 23, 19K के बीच में, ठीक है, 19K से 29K के बीच में, वैसे कोशिश करिएगा जो तीन मैंने लिखा है मतलब अप्रॉक्स इसी में करिएगा। हाँ, पर एक चीज़ और कि आप इसको मतलब वो मान के मत चलिएगा कि एकदम मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैंने फील किया अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा मतलब आपने सीखा कि कैसे क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनको भी शेयर करें जो मतलब न्यू एस्पायरेंट है, जो चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें कैसे, किस ऐप का यूज़ करें, तो आप इसको ज़रूर शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करिए, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है।